हेलो एवरीवन, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर डाटा के लेफ्ट राइट और मिडिल डाटा को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास कोई डेट है जिसमें कि ईयर मंथ और डेज गिवन है इस फॉर्म में, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है कि शुरू के चार लेटर्स हमें ईयर दिखाते हैं, फिर डैश लगाए, फिर दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ मंथ दिखाती हैं, फिर डैश लगाए और लास्ट के दो लेटर्स हमें डेट दिखाते हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर डेट है ये है 1 मई 2020, ये है 2 मई 2020 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मुझे अगर इनको ईयर मंथ और डेज में सेपरेट करना है लेफ्ट राइट और मिडिल कमांड को यूज़ करते हुए, तो कैसे करूँगा कि हम एक चीज़ में ध्यान देने की है कि हम हर एक करेक्टर को एक काउंट देते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल में टोटल कितने अक्षर हैं, चार इयर्स के, दो डैश, छः, दो मंथ और दो डेट, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल करेक्टर्स कितने, 10। और उनकी पोजीशनिंग भी कैसी है कि हम सबसे पहला जो 2 है इसको 1 मानते हैं और ये जो लास्ट में 0, 1 लिखा है ये 10th पोजीशन है। आप समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं कि सपोज हमें ईयर निकालना है, तो ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट कमांड यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले वो क्या पूछता है, टेक्स्ट, तो हमें किस टेक्स्ट को यूज करना है, इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा कॉमा और फिर नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो हमें क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में पता है कि कितने करेक्टर्स हमें कॉपी करने हैं, तो हम 4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ऐसे ही आप समझ गए, ऐसे ही मंथ के लिए हम मिडिल कमांड यूज करेंगे, उसमें हम बाद में आते हैं, पहले हम डे कमांड देख लेते हैं। डे के लिए हमें हमें पता है कि लास्ट के दो करेक्टर यानी कि राइट साइड से दो करेक्टर जो है वो डे डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे दिखेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, RIGHT ब्रैकेट ओपन, फिर टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं कॉमा और फिर लास्ट से कितने करेक्टर्स चाहिए हमें, 2 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये अपने आप 0, 1 आ गया। और मंथ के लिए हम क्या करते हैं, मंथ के लिए हम इक्वल टू MID यानी कि मिडिल में जो ये 0505 दिख रहा है ये हमें इसे फैच करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, कमांड होती है इक्वल टू MID ब्रैकेट ओपन, MID मतलब मिडिल, देन टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा यही है, फिर कॉमा, फिर वो पूछता है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर हमारा क्या होगा, हम लेफ्ट से काउंट करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि जो हमारा 6th नंबर है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर कॉमा और फिर वो पूछता है टोटल नंबर कितने करेक्टर्स कितने हैं इस केस में, 2, तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर करेंगे तो 5 आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के फॉर्मेट को लेफ्ट राइट और मिडिल फार्मूला से अलग अलग फैच कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं और फिर इस फॉर्मूले को आप पूरा नीचे तक कॉपी कर दीजिए, आपको अलग अलग डेट्स मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ईयर्स, मंथ एंड डे। अगर मैं ये जहां मैंने 05 लिखा है इसकी जगह मैं लिख दूं तो ये दो करेक्टर्स ले रहे हैं, अभी मैं इसको 3 कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि वो मैं हो गया। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।